हाय एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग बायोलॉजी। आज हम देखेंगे ग्रिफ्स एक एक्सपेरिमेंट के बारे में। ग्रिफ्स ने क्या किया था, 1928 में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है इसके बारे में एक पेपर पब्लिश किया था। 1925 से पहले बहुत से साइंटिस्ट में डिबेट चल रहा था डीएनए और प्रोटीन इनमें से जेनेटिक मटेरियल कौन सा है इसके बारे में, लेकिन 1928 में साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफ्स ने एक पेपर पब्लिश किया था, उसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। मतलब जो ग्रिफ्स ने एक्सपेरिमेंट किया था उसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो चलते हैं एक्सपेरिमेंट की ओर। फ्रेडरिक ग्रिफ्स ने 1928 में एक कल्चर मीडिया में कुछ बैक्टीरिया लिए थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनमें से कुछ बैक्टीरिया के ऊपर एक शाइनी लेयर है और कुछ बैक्टीरिया रफ है। तो इन्होंने इसमें दो डिवीजन कर दिया, एक शाइनी के लिए नाम दे दिया इन्होंने यस ट्रेन। और रस बैक्टीरिया के लिए नाम दे दिया आर स्ट्रेन। ये बैक्टीरिया शाइनी क्यूब थी, तो इनके ऑब्जर्वेशन में इनको एक ऐसा पता चला जो शाइनी बैक्टीरिया थी उनके ऊपर म्यूकोपॉलीसेक्राइड का लेयर था। म्यूकोपॉलीसेक्राइड प्रेजेंट था इसलिए वो शाइनी थी, और जो रफ थी उनके ऊपर कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं था। जो इन्होंने बैक्टीरिया कल्चर मीडिया में लिए थे वो बैक्टीरिया थी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मतलब ये जो निमोनिया की बैक्टीरिया थी वो ये थी। ये स्ट्रेप्टो का मैं पहले मीनिंग हम जान लेते हैं। स्ट्रेप्टो मतलब चेन लाइक, जो चेन में रहते हैं एक के ऊपर एक ऐसे, उनको स्ट्रेप्टो कहते हैं। और कोकस मतलब स्पेरिकल। चेन में स्पेरिकल बैक्टीरिया होती है उनको स्ट्रेप्टोकोकस, और निमोनिया कॉज करती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया ली थी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया था, ये मैं सीक्वेंस वाइज लिख देता हूं इधर। पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट कर दी माइस की बॉडी में। लिख लेता हूं मैं, इंजेक्टेड टू माइस, और इसका ऑब्जर्वेशन किया। इनको इसका रिजल्ट मिला माइस इज लाइव, मतलब माइस मारा नहीं, लेकिन उस वक्त निमोनिया से माइस मरता था, इसलिए इन्होंने ये निमोनिया बैक्टीरिया ली थी, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ली थी और इसके ऊपर रिसर्च किया था। इन्होंने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू द माइस बॉडी, तो माइस डेड हो गया। इनको एक ध्यान में आया, जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो अवायरुलेंट है, और जो यस स्ट्रेन बैक्टीरिया है जो शाइनी थी वो विरुलेंट है। विरुलेंट मतलब इससे डिसीज कॉज बैक्टीरिया। इधर लिख लेते हैं हम पहले,
विरुलेंट मतलब डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। और जो आर स्ट्रेन थी तो विरुलेंट थी। नॉन डिसीज कॉजिंग तो इन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट किया जो यस स्ट्रेन बैक्टीरिया थी वो हिट किल कर दी। टेस्ट ट्यूब में यस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और थोड़ा टेस्ट ट्यूब बॉइल करके ये माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया और रिजल्ट देखा। हिट किल थी इसलिए मैं एच के लिख देता हूं इधर। एच के हिट स्ट्रेन यस स्ट्रेन इंजेक्टेड इन टू द माइस बॉडी तो माइस लाइव रहा। इन्होंने देखा कि आर स्ट्रेंथ डायरेक्ट इंजेक्ट करने के बाद माइस लाइव था। यस स्ट्रेंथ डायरेक्ट मतलब लाइव इंजेक्ट माइस के बॉडी में करने के बाद माइस डेड हो गया। लेकिन फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि यस स्ट्रेंथ हिट किल करके माइस के बॉडी में इंजेक्ट करके देखा तो माइस लाइव रहा। तो और इन्होंने एक चौथा एक्सपेरिमेंट किया हिट किल यस स्ट्रेंथ बैक्टीरिया प्लस लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू द माइस बॉडी। एच हिट किल यस स्ट्रेन से माइस डेड नहीं हुआ था मतलब ये कोई एक्टिव नहीं थी। आर स्ट्रेन तो अविरुलेंट है ये कोई डिसीज ही कॉज नहीं करती तो इससे मरने का चांस ही नहीं है तो इसका रिजल्ट लाइव आना चाहिए। लेकिन हुआ ये माइस इज डेड। इससे ग्रिफ आश्चर्य हुए और इन्होंने इसके ऊपर और रिसर्च करके देख लिया। इनको एक बात ध्यान में आई वो बात ये थी इधर मैं साइड में लिख लेता हूं। इन्होंने क्या किया था जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ली थी और यस स्ट्रेन बैक्टीरिया ली थी दोनों भी बैक्टीरिया ली थी ये जैसे कि तैसे ली थी आर स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया और ये हिट किल करके ली थी। हिट किल करने पे क्या होता है इस दोनों बैक्टीरिया में एक तो जेनेटिक मटेरियल है और बाहर का प्रोटीन लेयर है ये आर स्ट्रेंथ में भी वही यस स्ट्रेंथ में भी वही। हिट किल करने पे प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाता है और जेनेटिक मटेरियल वैसे का वैसे रहता है। आपको तो पता होगा कि डीएनए हिट करने पे जो डबल स्टैंड है वो स्टैंड छोड़ देता है और सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है मतलब जो दो स्ट्रैंड से जुड़ा होता है डीएनए वो छोड़ देता है सिंगल सिंगल स्टैंड डिवाइड हो जाता है लेकिन प्रोटीन मटेरियल सब डिस्टर्ब हो जाता है इसलिए इसका सिर्फ डीएनए ही बचा। जो साइड का प्रोटीन मटेरियल था वो सब ब्लॉक हो गया ब्रेक हो गया डिस्टर्ब हो गया। तो ये दो को मिलाकर इन्होंने माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया था इसलिए इनको हुआ ये जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थी उसके उसका तो एक डीएनए था जो सॉल्यूशन में यस स्ट्रेन बैक्टीरिया का डीएनए था वो पे वो भी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं समझ लीजिए पहले इसका प्रोटीन डिस्टर्ब हो गया है डीएनए ही बचा हुआ है ये डीएनए एंटर इनटू द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी ये स्ट्रेन की ये विरुलेंट था और ये अविरुलेंट था
मतलब virulent इसकी डोमिनेंट प्रॉपर्टी थी, ये इसके साथ अटैच हो गया और लाइव हो गया। डीएनए का दूसरे बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर होना, इसको ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग का मीनिंग ही यही है, नेकेड डीएनए एंटर्स इनटू द बैक्टीरिया, इट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये इसकी वजह से ये विरुलेंट हो गई और ये माइस डेड हो गया। इन्होंने जब पेपर पब्लिश किया साइंटिस्ट फेडरिस ड्रिफ्ट ने, तो इनके ऊपर भी बहुत डिबेट हो गई कि इसके अंदर प्रोटीन था इसलिए ये जेनेटिक मटेरियल है, जो सॉल्यूशन लाइव डी आर स्ट्रेंथ और ये स्ट्रेंथ हिट किल करके लिया था, उस सॉल्यूशन में प्रोटीन भी प्रेजेंट था इसलिए वो माइस डेड हो गया, ऐसा इनको लगा। तो बाद में हेड्रिक्स एंड सॉरी हर्शे एंड चार्ल्स ने 1958 में और एक पेपर पब्लिश किया था और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। पर फर्स्टली सबसे पहले डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये सिर्फ ग्रिफ्स ने बताया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।